मैंने सारी एक एक फिगर को बड़े अच्छे से जांचा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक भी पैसा, आज तक का एक भी पैसा एमसीडी का देना नहीं बनता। 550 करोड़ रुपए में पिछले साल अगर आप तनख्वाह दे पाए तो इस साल 893 करोड़ रुपए देने के बाद भी आपकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? वो पैसा कहाँ गया? या तो पैसा डाइवर्ट किया गया कहीं पे और या चोरी कर लिया गया, जो कि बार बार मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एमसीडी के अंदर सैलरी घोटाला हुआ है। हमने इसके लिए इंस्पेक्शन ऑर्डर किया, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 486 सेक्शन 486 ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, ये दिल्ली सरकार को पावर देता है कि एमसीडी के अकाउंट्स की वो चेकिंग कर सकते हैं, एमसीडी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके तहत हमने डिविजनल कमिश्नर को इनके अकाउंट्स की चेकिंग करने के लिए भेजा, इन एमसीडी ने अपने अकाउंट्स दिखाने से मना कर दिया। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है एमसीडी, इट इज अ क्लासिक केस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड ह्यूज करप्शन। 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते टोटल 790 करोड़ रुपए की जरूरत है, 690 करोड़ रुपए की जरूरत है 31 जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। अभी पिछले हफ्ते एमसीडी ने एक बिल भेजा है स्टैंप ड्यूटी के लिए 142 करोड़ रुपए का, वो हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं 142 करोड़ रुपए। और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली सरकार का एक भी पैसा एमसीडी को देना नहीं बनता, लेकिन हम 550 करोड़ रुपए का लोन दोनों एमसीडी को दे रहे हैं ताकि 31 जनवरी तक की तनख्वाह वो अपने सारे एम्प्लॉयज को, ग्रुप ए बी सी डी सफाई कर्मचारी सारे एम्प्लॉयज को वो पूरा कर दे। अब तीसवा मेला ये चल रहा है अपना, और जहां तक मुझे पिछले मेलों का ध्यान में है, हर वर्ष उत्तरोत्तर मेला प्रगति की ओर होता है, उसमें संख्या बढ़ती है। इस बार भी मेला, और विशेष तौर पर इस बार ये बात है कि पहले 40 एकड़ का मेला होता था, इस बार इसमें 16 एकड़ जमीन और मिलाई गई है, 56 एकड़ में विस्तार किया गया इसका, इसलिए इस मेले को मैं समझता हूँ।